मेरा नाम गुंजन सुनेजा है। मैं एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन राजन सुनेजा की डॉटर हूँ, जिनका प्लाईवुड का बहुत बड़ा काम है। और मैं खुद एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ और एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गुंजन सुनेजा और मेरी खुद की ब्रांड है जिसका नाम है गुंजन सुनेजा इंसेंबल। मैं एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर हूँ। हाँ जी, वैलेंटाइंस डे का माना हमने समझा है कि इट हैज़ टू बी विद अ बॉय। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्यार माना सबसे प्योर चीज़ होती है, प्यार जो आजकल बहुत खो सी गई है, क्योंकि प्यार एक बिजनेस की तरह हो गया है, लेन देन। तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, इट्स लाइक दैट। मैं चाहती थी कि बहुत नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे बहुत 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 प्यार दिया है। प्लस मैं एक गुरुजी के पास भी जाती हूँ मुंबई में, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम दादा मीरा श्याम है। तो आध्यात्मिक प्रेम जो होता है ना, उसमें लेन देन नहीं होता है। मैंने ब्रह्मा कुमारीज आश्रम इसलिए चुना क्योंकि मैं बहुत सालों से यहाँ पे आ रही हूँ ऑफ एंड ऑन, बट मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि आपको वाइट कपड़े पहनने हैं, आपको हमारे हिसाब से चलना है, आपको इतना बदलना पड़ेगा, आपको ये खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने गुरु जी को छोड़ना पड़ेगा। दे हैव बीन वेरी वेरी लिबरल टू मी। और जो यहाँ की दीदी हैं उन्होंने मुझे कई सालों से बहुत अनकंडीशनल, जिसको बोला जाता है ना, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है प्यार की, वो किया है। और आज तक भी मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है। जो फ्रेंड्स होते हैं, कपल्स होते हैं, आपके पास एक दुख आया एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर पर्सनैलिटी। हम एक मिनट में आजकल ब्रेकअप हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे विश्वास है कि मेरा परमात्मा से जो प्यार है उसका कभी ब्रेकअप नहीं होने वाला है। अच्छा, परमात्मा से प्रेम करती हैं और वैलेंटाइंस डे दिन यहाँ पे उनको समर्पित कर रहे हैं। ये बताइए कि जैसे कि समाज में आजकल कपल जो है वैलेंटाइंस डे के दिन अपना मनाते हैं, उसके बाद उनका विवाह हो जाता है, आपके हिसाब से इनके साथ अगर आपका संबंध है तो कैसा है? देखिए, परमात्म प्यार का मतलब क्या होता है, परमात्मा का क्या मतलब होता है? हमारे पास कोई भी मुसीबत होती है हम पहले बोलते हैं हे भगवान। हाँ, जो हम गलती करते हैं ना, वो हम पहले सबके पास चले जाते हैं, लास्ट में परमात्मा के पास जाते हैं। अगर हम पहले ही परमात्मा के पास जाने लग जाए ना, तो हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो हमें बिना मांगे इतना कुछ देता है, तो आपको क्या लगता है कि वो हमसे कुछ मांग सकता है? तो ये प्यार होता है ना, कि जहाँ पे उसकी हमसे कोई इच्छा नहीं है वो। हाँ, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपने जो प्यार को बहुत लिमिट कर दिया है, कंपैरिजन, कंपटीशन, गिफ्ट कितने की दी कितने की नहीं दी, तुमने मेरी बात मानी या नहीं मानी, उसने बेटर किया, तो आपका झगड़ा होगा, उसमें प्यार नहीं होने वाला है। और इसीलिए आपने वैलेंटाइंस डे नेक्स्ट डे सुन लिया होगा स्लैप डे, मतलब आपका इतना विवाद बढ़ जाता है कि आप ब्रेकअप पर आ जाते हो और आप मारामारी पर आ जाते हो। तो ये प्यार कैसा है? आजकल ब्रेकअप की वजह से कितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितना ड्रग्स बढ़ गया, क्या ये हमारी संस्कृति है जो हम कर रहे हैं? एक वेस्टर्न कल्चर को लेके जो हमने इतना बड़ा यहाँ पे विवाद कर दिया है, वो कितनी गलत बात है। मैं जो वैलेंटाइन डे के दिन आज आध्यात्मिक से जुड़ गए हैं आप, ये बताइए कि ये फर्स्ट टाइम है या इसके पहले से आपने? देखिए, आजकल जो यूथ होता है ना, वो बिना सोचे समझे, मैंने डबल MBA किया हुआ है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं एक बहुत संपन्न परिवार से आती हूँ, तो मैं बिना सोचे समझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती। मैंने जब यहाँ के प्यार को जाना, परखा, परमात्म प्यार को महसूस किया, मेडिटेट किया, यहाँ की जो ब्रह्मा कुमारी इसकी मेन हेड हैं सुरेंद्र दीदी, जब उनको मैंने सालों से जाना और मैंने जब उनका व्यवहार मेरी तरफ़ देखा कि उन्होंने मेरे से कभी मांगा नहीं बल्कि मुझे दिया ही दिया, और कंटिन्यूसली एक युवाओं को क्या चाहिए होता है, आपको एक कोई सही गाइडेंस देता रहे, क्योंकि हमें गलत गाइडेंस देने वाले कि ड्रिंक कर लो, पार्टी में आ जाओ, छोटे कपड़े पहन लो, हम आजकल कितना कुछ उनमें फिट होने के लिए करते जा रहे हैं।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको लगता है हम मिसफिट हैं। कभी हमने ये सोचा है कि हम उनके फिट होने के चक्कर में, अगर आप भगवान का देखें तो भगवान की नज़र में हम कितना मिसफिट होते जा रहे हैं, कभी हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। लेकिन जब मुसीबत आती है तो हमें लगता है भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा। आपने क्या भगवान से संबंध बनाया? क्या आपने रोज़ 10 मिनट भी उसके लिए निकाले? और सबसे ज़्यादा ब्लेम हम किसको करते हैं? भगवान को। जिसके साथ आप संबंध बनाएंगे ना, वो ही आपके काम आने वाला है। और दुनिया से आप संबंध बना के भी देख लीजिए तो वो आपके काम नहीं आने वाली है। दिस इज़ हेंस प्रूव्ड। और मेरे साथ नहीं, ये कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि दुनिया आपको एक मिनट में छोड़ देती है अगर आपके साथ एक भी चीज़ आ गई, आप उनकी एक पार्टी में नहीं गए, आपने उनकी एक बात नहीं मानी तो। लेकिन भगवान के साथ अगर आप प्यार करेंगे तो पूरा वर्ल्ड आपको प्यार करेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में कहा गया है, मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना। इसलिए मैंने भगवान से प्यार करना शुरू किया है।